जय गुरु जी संगत जी, मैं आज पहली बार 6 साल में जब से एक्चुअली आई एम स्ट्रगलिंग टू स्पीक, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जिंदगी भर बोलता रहा हूं और आज मेरी यहाँ पर खड़े होके बोलती बंद हो गई है। हम लोग एज अ परिवार, मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी गुरुजी के साथ 2016 में जुड़े थे। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, इंडियन आर्मी से, और मेरे फादर ग्रैंडफादर सभी मिलिट्री में थे। और 20 years back I got married to a girl who was from US and I forced her to give up a green card because उस समय में मैंने उसको बोला यार मैं तेरी टिकट नहीं खरीद पाऊंगा। I won't be able to send you to your parents every year because एक आर्मी ऑफिसर के लिए buying a ticket to US is not easy. So वो फेस निकल गया और उसने अपने willingly अपना green card surrender कर दिया and thank you so much. We had a daughter who was born in the US when she was visiting her parents and तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि दैट टाइम आई वॉज अ कैप्टन शी इज़ योर पासपोर्ट टू द US। तो मैंने कहा मैं तो आई डोंट थिंक आई एवर लीव माई कंट्री एंड कम टू द US बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद वेर एवर आई एम टूडे एंड आर जर्नी कंटिन्यूड इन इंडिया ऑल दो वी केप्ट विजिटिंग US एवरी ईयर टू माई इन लॉस प्लेस। 2016 में मेरी वाइफ और बेटी शिकागो आए और उन्होंने एक सत्संग अटेंड किया। मैं गुरुजी से माफी मांगता हूं, मैं बहुत हंसा उस पर जब उसने मुझे बताया। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, लाइक आर यू क्रेजी, ये बाबा और गुरुओं के चक्कर में तुम पढ़ रहे हो, मतलब व्हाट्स दिस गोइंग ऑन। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें जब वापस आऊंगी इंडिया मैं आपको बताऊंगी एंड यू नो आई हैव कम आई मेट समबडी हु इज इन पुणे एंड यू नो आई विल स्टार्ट गोइंग देयर। सो शी केम बैक टू पुणे, दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन पुणे एंड शी वेंट फॉर संदक, संगत में जाती थी, सत्संग से आती थी और बड़ी शी यूज्ड टू बी ऑन अ वेरी हाई। सो मुझे लगा चलो खुश है तो कम से कम मानो इफ आई कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट लेट हर बी हैप्पी। और अनइंटेंशनली मैं और मेरी बेटी उसका मजाक उठाते थे, नॉट आई वुडंट से अनइंटेंशनली, इंटेंशनली कि ये मतलब किस मोड में चली गई है, अब ये भक्त बन गई है और ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। सो दैट जर्नी कंटिन्यूड एंड वन फाइन डे शी सेज कि यू नो आई गो टू वेर एवर यू वॉन्ट मी टू गो टू योर फ्रेंड्स प्लेस फॉर पार्टीज एंड ऑल दैट, व्हाई डोंट यू गो विद मी वेर आई गो, आई डोंट लाइक इट गोइंग ऑल बाय माई सेल्फ। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। इंसिडेंटली उस दिन गुरु जी का बर्थडे वाला सत्संग था and my daughter had her tuition classes and it so happened that her tuitions also got finished on time and you know hum log time se jaate nahi the satsang mein to wife pehle chali jati thi, wo kehti thi jab tumhara ichha ho to aa jana, to hum I picked her up from a tuition class and you know went to that satsang and attended it. mujhe acha laga, I won't say ki mujhe different laga bahut. I go to gurdwara as a child, I've been going to gurdwara, main gurdware jata hu और लंगर खा के वापस आ जाता हूँ, आई डोंट स्टे देयर फॉर लॉन्ग एंड दैट वाज द जर्नी। एंड नेक्स्ट ईयर माय डॉटर डिसाइडेड टू यू नो कम टू यूएस फॉर हर ग्रेजुएशन एंड यू नो शी वांटेड टू डू कॉलेज हेयर एंड वी शुड गो अहेड एंड शी केम हेयर एंड स्टार्टेड अ स्कूल। सो हम दोनों एम्प्टी नेस्टर्स हो गए एंड यू नो सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग द हीट, आई सेड यार एक ही बेटी है and I've lost my parents and you know my brother is a settled doctor in India, like what will we do if something happens to her, like is it right for us to be in India? So my wife got shocked, she says tum you want to go to the US now?
आई सेड यस आई वांट टू गो टू एंड इंसिडेंटली मेरे ना इन लॉज ने 2006 में व्हेन आई वाज विजिटिंग जबरदस्ती ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन डलवा दी थी कि तुमने मतलब दे ऑलवेज हैड इट दैट यू नो वी हैव टेकन आवर डॉटर अवे एंड यू नो शी डजंट कम एवरी ईयर ऑल्टरनेट ईयर आती है एंड सडनली इन यू नो माई वाइफ वॉज विजिटिंग हेयर एंड शी वॉज स्टॉप्ड एंड शी वॉज सेज योर पिटिशन इज एक्टिव सो एंड शी गेव मी अ कॉल अगेन शी वॉज विजिटिंग शिकागो कि हमारा तो ग्रीन कार्ड आने वाला है मैंने कहा यार तू ले लेना पता नहीं मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा आई डोंट लीव माई जॉब एंड यू नो एट दिस एज गो टू यू एस द मेन टाइम यू नो आई केम फॉर माई डॉटर्स शी हैड अ वेकेशन एंड शी सेज पापा आप आ जाओ लेट्स यू नो स्पेंड सम टाइम एंड तो मैं आया तो मैंने देखा अपनी बेटी को और मुझे लगा नहीं यार दिस इज़ नॉट राइट वी हैव टू बी टुगेदर एज अ फैमिली सो आई वेंट बैक टू इंडिया एंड आई पुट अप माई रेजिग्नेशन लाइक आफ्टर 20 ईयर्स यू कैन लीव आर्मी एंड गेट योर पेंशन सो आई डिड दैट आई ऑल्सो हैड अ डॉग विद मी इन इंडिया एंड यू नो आई वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग हिम अवे एंड सडनली यू नो वन डे हमारा पूरा परिवार लाइक आई हैव हमारे पास आई हैव लाइक मिलिट्री में एक बडी होता है जो आपके साथ चलता है जहाँ भी आप जाते हो वो भी गुरु जी का बहुत बड़ा भक्त था तो उसने बोला नहीं सर ये ठीक नहीं है इसको भी आप अगर यूएस ले जा सकते हो तो ले जाओ तो माई वाइफ हैड कम बैक एंड वी वर डूइंग अ सत्संग एट होम एंड सडनली यू नो उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो गई सो तो हम उसको मैं उसको बाहर ले गया एंड आई कुंट रियली अटेंड द सत्संग एंड यू नो आई रियलाइज दैट यू नो वी वॉन्ट लीव हिम आई टेक हिम टू यू एस विद मी सो आई रिटायर्ड इन जनवरी एंड यू नो मैं जब अभी आया तो मैंने अंकल लेके आया मुझे एंड ही सेड आपको ना सत्संग शेयर करना है तो आई गॉट अ लिटल यू नो आई हैव नेवर स्पोकन सो आई गॉट अ लिटल यू नो यू सीन मी हाउ आई एम टॉकिंग एंड आई यू नो आई बीन ए मैं आर्मी में लोगों को पढ़ाता था सो स्पीकिंग कम्स नेचुरल टू मी लेकिन गुरु जी के सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है तो मेरे साथ भी वही हो रहा है आज सो आई टोल्ड माई वाइफ कि यार आज मुझे बोलने बोला अंकल ने मैं क्या बोलूँ तो उसने मुझे एकदम याद दिलाया कि डोंट यू रियलाइज दैट यू नो इट्स टू ईयर्स सो आई केम हेयर ऑन एग्जैक्ट 20th January 2 years बैक एंड लोग मुझे बोलते थे यार तू कहाँ इस उम्र में यूएस जा रहा है तू क्या करेगा व्हाट आर यू गोइंग टू डू लाइक यू नॉट प्लान्ड इट्स जस्ट यू नो पीपल डू सो मच ऑफ कोर्सेज बैक इन इंडिया एंड व्हेन दे वांट टू मूव तूने बस अपनी बेटी के चक्कर में तू जा रहा है बेटी तो कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी उसकी चली जाएगी सो आई यू नो स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल एंड द ओनली पर्सन हु टोल्ड मी यू शुड गो वॉज माई ब्रदर ही सेज जस्ट गो यार के बच्चों के साथ रहना ज़रूरी है तो मैं आया आते ही कोविड हो गया एंड यू नो आई थॉट लाइक वॉट अ बिग मिस्टेक आई मेड यू नो आई लेफ्ट माई वेल प्लेस्ड जॉब एंड आई केम हेयर बट आप मानोगे नहीं मेरी आंटी मेरे से ज़्यादा गुरु जी वो तो टोटली बिलीव करती हैं आई एम स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क अंडर प्रोसेस सो आई थिंक आई हैव टू स्टिल मेक अ बिगर कनेक्शन विद हिम देन वॉट आई एम टूडे सो शी सेज तुम ना बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो जो होगा गुरु जी कर देंगे डोंट वरी एंड यू नो इन द लास्ट टू ईयर्स आई हैव मूव्ड ऑन टू 3 जॉब्स माई जॉब हैज़ गॉट मी टू यू नो न्यूयॉर्क एंड आई वॉज सपोज टू कम नेक्स्ट वीक इंसिडेंटली आज गुरु जी ने मेरे को बुलाया और कहा कि मैं लोगों के साथ सत्संग शेयर करूँ एंड टुडे माई वाइफ ऑल्सो यू नो शी स्विच 5 जॉब्स इन लास्ट 2 ईयर्स लाइक हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ यहाँ आके हो क्या रहा है मैं एक सूटकेस लेके आया था आई टू गो बैक इन इंडिया एंड यू नो फॉर अ मिलिट्री पर्सन यू हैव टू डू सो मच ऑफ पेपर वर्क आफ्टर योर रिटायरमेंट यू हैव टू गो एंड रजिस्टर कि अगर कल चाइना के साथ लड़ाई होगी तो आप 5 साल तक आपको वापस जाना पड़ता है कुछ भी नहीं हुआ यहाँ बैठे बैठे सब कुछ हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यू डोंट हैव टू कम बैक एंड पुट योर थंब इंप्रेशन फॉर योर पेंशन एवरीथिंग इज डन डिजिटली नाउ आई केम विद अ सूटकेस 2 ईयर्स बैक जस्ट 1 सूटकेस हेयर दूसरे सूटकेस में मेरी बेटी और वाइफ के कपड़े थे उस सूट के केस के साथ मैं अभी भी चल रहा हूँ ऑल्दो येस आई हैड टू डू सो मच हेयर एंड यू नो वी मेड अ हाउस एंड डिड एवरीथिंग बट व्हेन आई लुक बैक इट्स अनबिलीवेबल एंड आई वाज टेलिंग मैनी अंकल दैट मुझे कभी कभी लगता है कि वी वेस्ट सो मच टाइम वरिंग एंड थिंकिंग कि जैसे अंकल ने बोला लोग क्या सोचेंगे हमारा पास्ट क्या है हमारा प्रेजेंट क्या है हमारा फ्यूचर क्या है
एंड आई जस्ट मेट समबडी व्हेन आई एंटर्ड हु इज गोइंग थ्रू अ हेल्थ चैलेंज, जो हमारे बीच में बैठे हैं और वो मैनी अंकल को बता रहे थे. तो मैनी अंकल ने उन्हें बोला कि यू नो, अगर आप गुरुजी के जल प्रसाद को अमृत मान लो तो अमृत है, और ना मानो तो फनी है. एंड लास्टली आई विल जस्ट शेयर वन स्मॉल थिंग अबाउट माई यू नो माई डॉग. ही इज़ द बिगेस्ट भक्त ऑफ गुरुजी. वो सत्संग में बिल्कुल सामने लेटता है पूरे दो घंटे. ही इज़ ह्यूज, ही इज़ 110 pounds, ही इज़ बिग. उसको देख के लोग डर जाते हैं. तो जब हमारे घर में सत्संग शुरू हुआ शिकागो में, तो लॉट ऑफ पीपल सेड यू हैव अ डॉग, वी वोंट बी एबल टू यू नो अटेंड. सो मेरी आंटी ने बोला कि मेरी बेटी या मैं उसके पास बैठेंगे, अगर वो कुछ भी मूवमेंट करेगा विल टेक हिम अप. सो द फर्स्ट सत्संग ही सैट देयर, ही डिडंट मूव एट ऑल. वो पंजाबी है, उसको सिर्फ हलवे की जब खुशबू आती है तो वो थोड़ा हलवे की तरफ जाता है, बाकी उस दिन वो उसके लिए भी नहीं गया. एंड नाउ सत्संग जब हमारे घर में, वी हैव अ मंथली सत्संग इन शिकागो, पीपल कम. जिन लोगों को उससे डर लगता था वो आके पहले गुरुजी के आगे माथा टेकते हैं, फिर उसके सर पे जाके हाथ लगाते हैं. एंड यू नो आई वाज, एज आई टोल्ड यू, आई वाज सपोज टू कम हेयर नेक्स्ट वीक सैटरडे. आई एम गोइंग बैक टू शिकागो एंड मेरे डेक्सटर का बर्थडे है उस दिन. हम अपने घर में दोबारा से लाइक आर मंथली सत्संग इज़ देयर. सो वट आई वॉन्टेड टू शेयर टुडे वॉज यू नो माई जर्नी एंड थैंक गुरुजी फॉर दिस जर्नी. आई थिंक आई हैव वेस्टेड अबाउट यू नो लाइक आई एम अ मैन, आई एम नॉट शाई ऑफ टेलिंग माई एज लाइक वुमेन. आई थिंक आई वेस्टेड अबाउट 45 years ऑफ माई लाइफ बींग ऑन अ डिफरेंट थाट प्रोसेस. 2016 से जो गुरुजी के साथ जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट हुई है, इट्स अ डिफरेंट जर्नी. ऑल द ईगोज एंड ऑल द यू नो who I am and what I am is gone. And you kehte na level kar diya unhone. Aur he has taught me that you know jab khushi aati hai to tab bhi shukriya ada karo, aur jab bura waqt aata hai tab bhi shukriya ada karo, because you know everything that goes up has to go down and everything that's down has to go up. That's part of our journey. सो थैंक यू वेरी मच संगत जी. गुरु जी की वजह से मैं आज आया और आप लोगों से मिला. एंड स्पेशल थैंक्स टू मैनी अंकल यू नो हु यू नो मेड इट पॉसिबल, हु माई वाइफ रीच्ड आउट एंड ही शोड अस द वे एंड आई एम हेयर. जय गुरु जी. अगर मेरे से कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी.